झूठ मत बोलो। आमिर खान का फोन आया था। वाओ, वो बड़े भैया को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। Why? कल शूटिंग है। What? आप मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको छोड़ के आमिर खान के लिए फिल्म करना चला जाऊंगा। जब एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ, मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनता। क्या बात है यार, पहली बार दिली चॉइस धन की निकली। हेलो, मैं बड़े भैया बोल रहा हूँ। बोलिए, कहाँ हैं आप? बस एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ। एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं? अरे पागल समझ रखा है क्या, आमिर खान की फिल्म छोड़ दूंगा? मैं जा रहा हूँ। हेलो, पर कल करवा चौथ है, बड़े भैया भाग गए। मेरी जबान मुझे दे दो ठाकुर। मैं नहीं छोड़ूंगा। अपूर बोले, मैं हूँ। क्या हुआ? सपना देख रहा था। ये किसी नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे? तुम्हें, तुम्हारे तो सपना देख रहा था मैं। सच? मरना ही है। आज के दिन ऐसी बात मत करो। पता है आज करवा चौथ है और मैंने ना तुम्हारे लिए व्रत रखा है। तो ये बताने आई तू? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, बड़े भैया कहाँ है? क्या क्या बड़े भैया ने? कुछ किया नहीं, वो अंकल का ब्लड प्रेशर ना थोड़ा हाई लग रहा था। हाँ तो ठीक, आई मीन सॉरी, लेकिन बड़े भैया क्या करने वाले, डॉक्टर को बुलाओ ना। अपूर, बड़े भैया डॉक्टर ही है ना? हाँ। मैं बड़े भैया को भेजता हूँ। शादी करके बाप बनना ज्यादा आसान है, समझा? अबे इंसर्ट हो गया, निकाल इसको बाहर। हेलो, हमें ना हमारे नाम से बुलाया करो। हमारा नाम है दामिनी देवी दीवान। देखिए, आप फिलहाल मेरी बीवी का किरदार कर रही हैं, तो अपने किरदार में रहा कीजिए। हमें क्या करना चाहिए ये आप हमें मत सिखाइए। बताना पड़ेगा। अरे उस दिन आपने मुझे फंसा दिया, अंदर आवाज लगा दी, अपूर के पापा। पर कहाँ से आएंगे अपूर के पापा? अरे मुझे बन के आना पड़ा। मालूम है कितना मुश्किल है नकली बाप बनना? ये वीक लगानी पड़ती है, नकली दाढ़ी लगानी पड़ती है, और ये इसका हमेशा छूटने का टेंशन बना रहता है। एक धोती भी नहीं बांध सकते। आपको आती है बांधनी? अरे धोती क्या चीज है, मैं तो झांसी की रानी की माँ की साड़ी भी पहन सकती हूँ। माँ की साड़ी नहीं, मुझे धोती बांधनी है। अरे हाँ हाँ, उनकी साड़ी भी धोती की स्टाइल में ही पहनी जाती है। लाओ राजू। अबे ये पता कितनी नाजुक चीज है, फिर से छूट जाएगी। मेरी बात सुन, वो अंकल का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बड़े भैया को बुला रहे हैं। बड़े भैया आप कहाँ से आएंगे? पता है मुझे, पकड़ो इसे। हाँ। अरे भाई धोती छोड़, बड़े भैया को पैदा करो। नहीं पापी, नहीं विभत्स, काली टी शर्ट पहनकर काली कृत्य करने वाले काली, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ लिखा है कि हम शारीरिक संबंध के सख्त खिलाफ है। हेलो, शारीरिक संबंध की किसने बात की? क्यों, अभी अभी तो तुमने कहा कि धोती छोड़ो और बड़े भैया को पैदा करो। अरे पैदा करो का मतलब है बड़े भैया को कहीं से लाओ। हाँ तो उचित शब्दों का प्रयोग करो। सॉरी, उससे गलती हो गई। आमिर खान को फोन लगा, बोल दे कि हमारा वाला जो बड़ा भैया है उसे भेज दे, किसी और का इंतजाम करे। किसी और का इंतजाम? अबे आमिर खान को छोड़कर कोई आएगा? मेरी बात सुन, दूसरे का इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा। अबे तू पागल हो गया क्या? दू एक रख के? हो, एक मिनट, वो पहले वाले बड़े भैया को अंकल ऑलरेडी देख चुके हैं, अंधे नहीं है वो। दूसरे को अगर हम खड़ा करेंगे ना तो पहचान लेंगे और हमें कच्चा चबा जाएंगे वो। और अगर उन्हें पता चला कि बड़े भैया है ही नहीं, वो तो हमें पका के चबा जाएंगे। अबे दोनों सीरतों में चबाएंगे तो सही ना, तो कच्चा इज बेटर, पकने से तो बच जाएंगे। फिलहाल तो तुम दोनों पका रहे हो।
मेरी बात सुन, अगर हम अंकल को ये बात कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि जो दूसरे वाले बड़े भैया हैं वही पहले वाले बड़े भैया हैं, तो हम पकने से बच सकते हैं। वाकई में बहुत पका रहा है तू। सबसे पहले तो मुझे कन्विंस कर, क्या बोल रहे तू? अबे ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। हाँ, तुझ पे छोड़ा, इसीलिए ये महाभारत यहाँ पे, महाभारत बार वो सब चल रही है। अबे ये बात गलत है, स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में, देख पीछे से ब्रेक मार रहा हूँ। कुछ भी कर, बड़े भैया को पैदा कर, प्रकट करो उचित शब्द प्रयोग। तुलिका दीदी, हाँ आपने बड़े भैया को देखा? बड़े भैया क्या अपूर्व, कहाँ है बड़े भैया? बड़े भैया शूटिंग के लिए गए। शूटिंग? कटिंग करने गए हैं, बालों की कटिंग, सलून गए। बाल कटवाने? आज करवा चौथ है ना, तो क्या करवा चौथ के दिन आप सब लोग बाल कटवाते हैं? बड़े भैया जो है वो साल में एक दिन बाल काटते हैं, और वो करवा चौथ के दिन, ताकि भाभी अपना चांद देख सके। चांद? यानी कि वो पूरे बाल कटवाते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे पता नहीं, अभी जब मिलेंगे तो पता चलेगा। मिलेंगे तो? हाँ मतलब सुबह से मिले नहीं ना, वो अभी आएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने पूरे बाल काटे या जो भी हो। भाभी के लिए तो खैर वही चांद है ना, जैसे मैं तुम्हारा। अच्छा वो सब छोड़ो, अंकल के बारे में सोचो, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। हे? अंकल को ब्लड प्रेशर है? खिल गया। अरे ये क्या पिला दिया बेटी तुमने? वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है बेटी, कितना अच्छा काढ़ा पिला दिया तुमने, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। सिर्फ 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? अरे बोलूंगी नहीं तो बेचूंगी कैसे, और बेचूंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? बोलूंगी नहीं तो बेचूंगी क्या और खाऊंगी क्या? यानी 50 रुपए में ये काढ़ा तुमने मुझे बेचा बेटा? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि पिताजी हमेशा कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, खुददार बनो, खुद के पैसे खुद कमाओ। कितने ऊंचे विचार है तुम्हारे पिताजी के, उनका मतलब ये हुआ कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। वाह वाह, इन ऊंचे विचारों के साथ मैं भी अच्छा फील करने लगा हूँ। आरती बेटा, तुम्हारी होने वाली ननद से कुछ सीखो, कितना अच्छा काढ़ा बनाती है। हाँ दीदी, आप मुझे भी सिखाएंगी ना? सिखाएंगी सिखाएंगी ना, लेकिन उसका पैसा लोगे गाँव? पैसा? पहले इन लोगों ने मेरे को गड़ियल के साथ छोड़ा। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, खाइए ना ये। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से खाओ। नहीं 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 नहीं, ये भोजन को मना नहीं करते हैं। देखिए मैं भोजन को मना नहीं कर रहा हूँ, आप जो कार्य मुझे करने के लिए कह रहे हैं मैं उसे मना कर रहा हूँ। अपूर्व भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, झूठ की नींव पर कोई इमारत नहीं बन सकती। ये इमारत, तुझे चंदा चाहिए या नहीं, सीधे सीधे बोलना, तू बड़ा भाई बनेगा या नहीं? नहीं, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। कौन सिद्धांत? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अपूर्व भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, परंतु देखिए देखिए, आप बड़े भैया बन जाइए, हम आपको माला माल कर देंगे। हाँ, हाँ, हिला। मैंने एक निर्णय लिया है। हाँ बोलिए। मैं साथ दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। वेरी गुड, चलो मैं साथ दूंगा। हाँ, परंतु केवल सच का। जिन जिन सजनों से आपने असत्य कहा है उन सब को जाकर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सजनों, अंगूठा साहब, इनसे कहिए कि ये इनसे कुछ कहना चाहते हैं। अबे कौन अंगूठा, किसका अंगूठा, कौन किससे क्या कहना चाहता है? दादा दादा दादा, हाँ बताता है। एक्चुअली क्या है, ए आप लोग को बोलना चाहते हैं कि ये जो आइटम भाभी है, ए आप लोग को कुछ बोलना चाहता है। ए, मेरे को आइटम नहीं बोलने का। ए तुम तो बोला था वो फिल्म में डांस नंबर किया है, फिर किया तो फिर आइटम हुआ ना। अरे एक मिनट, किसकी क्या समस्या है बोलो। मेरे को सिर्फ इतना पूछने का है कि अगर आज शाम तक मेरा भाड़े का पति नहीं आया तो किसका थोपड़ा देके मैं व्रत तोड़ूंगी? देखो मैं भूखी भूखी नहीं रह सकती, मैं वो करीना नहीं हूँ जीरो साइज फिगर पाने के लिए डाइटिंग करूँ। इस बात का मुझे सलूशन चाहिए। देखो अगर कोई और तुम्हारा पति नहीं बनेगा तो ये बनेगा तुम्हारा पति। ये सॉरी भाई साहब, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, पहले इन लोग ने मेरे को उस गड़ियल के साथ चिपका दिया, जब उसके साथ में एडजस्ट करने लगी तो अभी डबल बैटरी को चिपका रहे। सॉरी भाई साहब, बुरा मत मानना। हम जूनियर आर्टिस्ट की भी इज्जत होती है, हमारे भी इमोशंस होते हैं। तुमको क्या लगता है हम लोग क्या है, वो डेली सब की बहू के हर नए नए एपिसोड में तुम नए नए पति लाओगे? मेरे लाइफ में ट्रेजेडी ट्रेजेडी है।
देखो मैं भूखी नहीं रह सकती। देखिए भाई साहब, आप फटाफट मेरे पति बन जाइए ताकि आपका थोबड़ा देख के मैं अपना व्रत तोड़ दूं। पूरा मत मानिए भाई साहब। आउट आउट। देखिए, ये आपकी वजह से जान दे रही है, भूखी मर रही है, और आप हैं कि सच का साथ दूंगा, सच का साथ दूंगा। अरे क्यों मच मच कर रहे हो? देखिए, मैं मच मच नहीं कर रहा हूँ, मैं सच सच कर रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए। मेरे भाई इधर, ये जगह दोस्तों सुनो, मैं अभी एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, ये कहानी सुनिए, अब मेरी एक सच्ची कहानी सुनो। एक कसाई एक गाय के पीछे भाग रहा था। गाय अपनी जान बचाकर भाग रही थी। गाय एक गली में मुड़ गई। वहां से मैं आ रहा था तो कसाई ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आपने यहाँ किसी गाय को देखा? तो मैं समझ गया, मैंने उस कसाई को गलत दिशा बता दी। अब उससे क्या हुआ? कसाई का वाट लग गया, और क्या, वो हमारा वाट लग गया। गाय की जान बच गई। मेरे एक झूठ की वजह से गाय की जान बच गई। किंतु ये कहानी तो गांधी जी की है। किसी की भी हो मेरे मुन्ना, तुम तो समझ गए ना। तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो यार? मतलब तुम ये नाटक क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर आप ये नाटक नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तो इसकी शादी टूट जाएगी, इसकी नौकरी चली जाएगी, ये सड़कों पे आ जाएगा, गलियों में भीख मांगता फिरेगा। ये सही बोल रहा है, उधर मेरा मतलब है कि अगर वो भीख मांगेगा तो तुम्हें चंदा कहां से देगा? सोचो उन मासूम बच्चों के बारे में, सोचो उन निर्दोष बच्चों के बारे में, सोचो जो अनाथ बच्चे तुम्हारी वजह से फिर से अनाथ हो जाएंगे। अरे वो उसे बोलने देगा कि नहीं? बोल भाई, बोल। देखिए, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपना निर्णय बदलता हूँ। शाबाश, मैं उन सज्जनों से कुछ नहीं कहूंगा, किंतु आपका साथ भी नहीं दूंगा। क्या भाभी साहब, मिठाई साहब, अंकल क्या हुआ? नहीं, सोच रहा था कि अगर उषा जिंदा होती तो इसी तरह से सच धज कर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती। अंकल, आप ना उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मर्दों को भी इसी तरह करवा चौथ का व्रत रखना पड़ता तो मैं भी व्रत रखता और उषा जिंदा होती। ले लो अपना अपना डांडिया ले लो। अरे तुलिका, करवा चौथ के दिन ये डांडिया रास? डांडिया भले गुजरातियों का हो, लेकिन ये त्योहार तो पूरा हिंदुस्तान मनाता है ना। हाँ। वाह, कितने ऊंचे विचार है। अरे हर कोई अगर इसी तरह सोचने लगा ना तो हर कोई हरेक का त्योहार मना सकता है कि नहीं? के हालो, वो बड़ी भाभी ने जो अपने को डांस का स्टेप सिखाया ना, वो प्रैक्टिस करते हैं। वो कौन सा? मारी महिषा। नहीं तुलिका दीदी, प्रैक्टिस के लिए टाइम कहाँ है? चलो ना, सब टेरेस पे चांद निकल आया होगा। बड़ी भाभी चलिए ना। अब जिसका पति ना हो उसे डांस करने का मन होगा क्या? पति नहीं है। हमारा एक तो बंदूक है। बंदूक? हाँ। डांस करने का मन होगा क्या? नहीं, पति नहीं है। मतलब यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? दरअसल मेरा बेटा बाल कटवाने गया है और बड़ा मूडी है। जब तक बाल कटेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। हाँ, जब तक बाल कटते नहीं तो कोई भी नहीं आता, मैं भी नहीं आता हूँ। चलिए कट कट, चलिए चलो कट कटते हैं यहाँ से। चलिए डांडिया में तू क्या भांगड़ा नाच रहा है? तो बड़े भैया को ढूंढना। अबे ये डांडिया
जादू की छड़ी नहीं है और तुझे क्या दाढ़ी मूछ में परी नजर आ रहा हूँ कि मैं इसे घुमाऊंगा और बड़े भैया आ जाएंगे। क्या समझ नहीं रहा यार।